कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नए अस्पताल के ठेका श्रमिकों को संवेदक द्वारा पिछले दो माह से वेतन का भुगतान नहीं करने से परिवार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेका श्रमिकों का कहना है नए अस्पताल में करीब 350 से ज्यादा ठेका श्रमिक है जो कैश काउंटर, पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, लेखा शाखा, एक्सरे विभाग, लैब सहित अस्पताल के कई वार्डो में लगे हैं। कोरोना काल में ठेका श्रमिकों ने कोरोना के वॉरियर के रूप में अस्पताल में अपनी सेवाएं दी, लेकिन वर्तमान में ठेकेदार द्वारा पिछले दो महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बिना वेतन के काम करने को वे मजबूर हैं। दूसरा महीना पूरा हो चुका है, इन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। ठेका श्रमिकों का कहना है कि अस्पताल में दो संवेदक के साथ अलग अलग मैन पावर का ठेका है। एक संवेदक के पास 250 ठेका श्रमिक है, जबकि दूसरे संवेदक के पास 200 से ज्यादा ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। बताया जा रहा है, संवेदक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा उसका भुगतान नहीं होने से ठेका श्रमिकों का वेतन अटका हुआ है। उसकी ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों का भुगतान किया जाए। वहीं दूसरे संवेदक गोपाल चतुर्वेदी का कहना है कि अधीक्षक के बीमार होकर छुट्टी पर चले जाने से बिल भुगतान पर साइन नहीं हुए हैं, इस कारण भुगतान अटक गया है। ठेका श्रमिकों को जल्द भुगतान किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा से बात की गई तो उनका कहना है टेंडर शर्त के मुताबिक बिल भुगतान नहीं होने की स्थिति में संवेदक को 3 माह तक अपने पास से ठेका श्रमिकों को भुगतान देना होता है। मैंने अभी ही अधीक्षक का पद संभाला है, संवेदकों को बुलाया है, 1-2 दिन में समस्या का समाधान कर देंगे।